हे गाइस, गुड इवनिंग। सो फाइनली IDBI PGDBF का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दो स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उन बच्चों की बात करते हैं जो वेटिंग लिस्ट में है। व्हाट इज द फेट ऑफ दो स्टूडेंट दैट आर प्लेस्ड इन द वेटिंग लिस्ट? आई एम इंक्लूडिंग वन ऑफ देम। इवन आई एम प्लेस्ड इन द वेटिंग लिस्ट ऑफ IDBI PGDBF। तो वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कमेंट में आप लोग सब अपने फाइनल मार्क्स शेयर कर दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इंटरव्यू में मार्क्स ही नहीं मिले। आई मीन दे हैव बीन डिसक्वालीफाइड फॉर इंटरव्यूज़। उनके मेंस के मार्क्स अच्छे थे बट दे हैव नॉट क्वालिफाइड द इंटरव्यूज़ ऑल्सो। द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर इंटरव्यू वॉज 45 एंड मैनी स्टूडेंट्स वर देयर दैट हैव नॉट इवन क्वालिफाइड दैट। उसके बाद में अगर बात करूँ इस बार क्या फेट रहेगा वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स का, तो देखिए बात ऐसे ही है कि पिछली बार 89 जो थी वो कट ऑफ गई थी, और उसके बाद 80 तक जितने भी स्टूडेंट थे उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया गया था। बहुत लोगों ने छोड़ा था तो इस वजह से बहुत लोगों को चांसेस मिली थी। इस बार कट ऑफ नियरली 81 है, और जिन बच्चों के भी 70 प्लस मार्क्स हैं, ऑल ओवर 70 प्लस मार्क्स अगर उनके जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बात करूं, तो उनको चांसेस मिलनी चाहिए अगर हम उस रेशियो के अकॉर्डिंग चलें तो। अब इस बार बच्चे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे वो तो टाइम आने वाला है, टाइम ही बताएगा, वो तो वेटिंग लिस्ट ही बताएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपका वेटिंग लिस्ट में हुआ, और वेटिंग लिस्ट में हुआ तो कितने मार्क्स आपके हैं, और साथ ही साथ में बेस्ट ऑफ लक उन सभी लोगों को जिनका IBPS क्लर्क में भी हो गया साथ साथ में। सो गुड लक ऑल ऑफ यू गाइज़।